कोई ना कोई उधर गड़ावा, ये उधर ऐसा है कि जिसको कोई भी शोर बंदा नहीं मान सकता कि जान का खतरा है। तो मैं मुनादरे के नीफ कुरैशी साहब ने खुद कुछ जैकेट पहन लिया है। नीफ कुरैशी साहब अगरचे वो मेरे मसलक के नुमाइंदा नहीं है, लेकिन ये उनके सामने भी नहीं बैठ सकता। आप इस वक्त नीफ कुरैशी साहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है वो जाएं और वो बिल्कुल से। मैं कहता हूं ये किसी आलम दीन के सामने एक दफा बैठे, दरवाजा कुरान हमारे सामने पढ़ना है। यहां से हमने कहना वहां से ऊपर देखे, आज भी वो चैलेंज मौजूद है। 10 लाख रुपए इनाम है अबू याया नूरपुर। अच्छा मैं आपकी 10 लाख रुपए इनाम है, ये इनकी मर्जी से कुरान पढ़ दें। आपकी वसादत से फिर चैलेंज देता हूं, 10 लाख रुपए आपको नकद इनाम है सिर्फ अबू याया साहब के सामने बिठाने का, और 10 लाख रुपए मदीना इनाम यानी 20 लाख रुपए इनाम है जहां से वो कुरान पढ़ के दिखा दे ऊपर से देखकर। इतने पैसे नजीर हुसैन देलवी तो सहाबी मालूम होते हैं, वो तो वहाबी है, सहाबी मालूम होता है। तेरा प्यो कैदा प्या है और किला मैंने अंदर कर दिया है। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। इल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने फरमाया था, फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। फिर इब्लीस की मजलिस शूरा के आखिर में मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए इब्लीस की तरफ से एक अहम चीज़ इन्होंने बताई इल्लामा इकबाल ने। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में इसे, यानी मुसलमान को पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। यानी ये बात इबलीस की मजलिस शूरा के एंड में इबलीस की तरफ से, इबलीस के हवाले से, इबलीसी निज़ाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से ये फरमाई गई कि इनको सिर्फ इन्हीं मस्तियों के अंदर रखो, ज़िक्र फ़िक्र और इन्हीं झगड़ों के अंदर जो इस वक्त मुसलमान उम्मत कट रही है, मर रही है। और यहाँ पर मौलवी अपने अभी भी वही तमाशों में लगे हुए हैं कि 26 नवंबर की डेट की अनाउंसमेंट अवैस रब्बानी साहब ने की, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग उसके अंदर कूदे। जैसे कि एक वीडियो का आप कुछ हिस्सा शुरू में मुलायजा भी कर चुके, क्लिपिंग्स मुलायजा कर चुके। ये एक सैयद अब्दुल बासित साहब हैं, अच्छे यूट्यूबर गुजरे हैं या हैं अभी भी, बहुत अच्छा, कई दफ़ा ये हुकूमत को तवज्जो दिलाओ नोटिसेस भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और इंडिया के ख़िलाफ़ भी बात करते। लेकिन यहाँ पे ये भी इस मामले में कूदे अवैस रब्बानी साहब का साथ देने के लिए या फिर दीगर फ़िरका परस्तों का साथ देने के लिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ एक मुनाजरा 26 नवंबर को करवाया जाए। यानी ये समझ लीजिए इसी वीडियो के अंदर यहाँ तक इन्होंने ऐलान कर दिया, यानी आप जिस साहिब को देख चुके पहले वीडियो के अंदर, क्या ऐलान किया कि जनाब 20 लाख रुपए का इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर ये हमारे मुनाजिर के साथ बैठ जाएं। यानी एक तरफ मुसलमान कट रहे हैं गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और ये लोग अपना पैसा 20 लाख रुपए का पैसा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ सिर्फ एक बंदे को बैठाने का ऑफ़र कर रहे हैं। यानी ये इस वक्त मुसलमानों की हैसियत रह गई है कि इनका पैसा इस वक्त इन मुनाजरों के लिए हाजिर खिदमत है। तो अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत अता फरमाए कि इन लोगों को आज भी ये सुकून नहीं आ रहा, भाई हमें भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से लाखों हज़ारों इख्तलाफात हो सकते हैं या हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि क्या मामला चल रहा है। और इस हमाम के अंदर सिर्फ वही यानी नंगे नहीं हैं जिनके बारे में हम वीडियोस में दिखा के या बता चुके, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी आप लास्ट पब्लिश्ड वीडियोस चेक कर लें कि अभी भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जब से ये मामला हुआ है फ़लस्तीन इसराइल वाला, आप देख लीजिए कहीं पे वो कहते हैं जनाब के 1948 वाला मंसूबा जो है इसराइल फ़लस्तीन वाला वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, कभी कहते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से हमें ये काम करने चाहिए, बायकॉट नहीं करना चाहिए। यानी वो भी एक अलहदा ही अपनी दुकान खोले हुए हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, यानी वो शख्सियत कि जिसको मुनाजरों के अंदर कुफर के ऊपर, तकफीर के ऊपर, अहले हदीस की तकफीर या उनके कुफर के हवाले से, कुफरिया इबारतों के हवाले से मुनाजरे किया करते थे, आज अहले हदीस ख़ुद उनको इंडोर्स करते हुए या सपोर्ट करते हुए 26 नवंबर के हवाले से वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। क्या आज क्या वो पाक हो गए हैं उन तकफीरी फतवों से जो वो अहले हदीसों के ऊपर लगाया करते थे, या फिर जो अहले हदीस
लगाया करते थे बरेलवियों के ऊपर, तकफीर किया करते थे उनकी किसी मामले के ऊपर, कब्र परस्ती या दीगर मामलात के हवाले से। तो आप खुद सोचिए कि हम किस लेवल पर इस वक्त खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, और काफिर हमें मारने के लिए, काटने के लिए यकजा है और मिलके काम कर रहा है, लेकिन मुसलमान अभी भी फ़िरका 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 और मौलवी मौलवी मौलवी, इंजीनियर, मिर्ज़ा, प्लम्बर, जो मर्ज़ी मतलब इनको नाम दे दीजिए इन चीज़ों के ऊपर, एक दूसरे के नाम भी रख रहे हैं, लाइक किसी को प्लम्बर कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को दज्जाल कज़ाब तक कह रहे हैं। यानी इस कामों में हम लोग मसरूफ़ हैं मुसलमान उम्मत। और हमें तो वही दौर याद आ जाता है कि जिस वक्त इराक़ का फॉल हो रहा था, फॉल ऑफ समझ लीजिए इराक हो रहा था, तो उस वक्त भी यही मामला थे कि मुसलमानों के जो मौलवी हैं वो इन्हीं बहसों में उलझे हुए थे कि कौवा हलाल है या कौवा हराम है, और उनके ऊपर तातारी उनको चढ़ के काट रहे थे, और वो नहीं देख रहे थे कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन जो है वो मदखली है, या कौन हुकूमत का सपोर्टर आलिम है, या कौन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत दे जो आज भी मुनाजरा मुनाजरा खेल के अपनी दुकानें चमका रहे हैं, और इनको मुसलमान उम्मत की कोई परवाह नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।